गंगा सागर आइलैंड पे हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से तो गाइस देख सकते हैं सामने समुंदर है और आगे चल के समुंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जब तक आप सभी यहाँ का नज़ारा देखें, यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं और यहाँ पर देखिए क्या क्या है, मैं आपको यहाँ का सारा नज़ारा दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पीछे गंगा सागर और हम इसमें स्नान कर रहे हैं, पहले नहा लेते हैं। देख सकते हैं पानी की लहरें कितनी तेज आ रही है यहाँ पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग में हम आप सभी को गंगा सागर जाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता रास्ता बताएंगे। तो गाइज ये हमारा सियालदा रेलवे स्टेशन है, सियालदा से ही आपको गंगा सागर की तरफ जाने वाली ट्रेन मिलेगी। तो गंगा सागर की ओर जाने की तीन ट्रेनें हैं और मैं आप सभी को इन तीनों ट्रेन का टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। गंगा सागर आने के लिए आप सभी को यहाँ कागदीप रेलवे स्टेशन पे आना होगा। देखिए गाइस ये रेलवे स्टेशन और यहाँ से आपको रिक्शा मिलेगा जो आपको घाट तक लेके जाएगा और फिर उसके बाद आपको वहाँ से बोट मिलेगी। तो चलिए वहीं जाके दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम जा रहे हैं रिक्शे में गंगा सागर की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं घाट पे और अब यहाँ से जाएंगे हम दूसरे आइलैंड पे, यानी कि गंगा सागर। तो आप नज़ारा देखें यहाँ का। देखिए यहाँ पर कितने सारे नाव हैं, छोटी छोटी नाव भी है देखिए। तो गाइज लास्ट हमें रिक्शा वाला यहीं छोड़ेगा और यहाँ से हमें एक बोट लेनी पड़ेगी जो कि हमें गंगा सागर आइलैंड पर लेके जाएगी। वहाँ सामने आपको बड़ी बोट दिख रही होगी। तो गाइज अभी हमें उसी में जाना है और हम जाएंगे गंगा सागर और आप सभी को गंगा सागर का नज़ारा दिखाएंगे। तो गाइज आप यहाँ पे शॉपिंग कीजिए। तो ये गाइस टिकट काउंटर है, यहाँ से नाव की यानी कि बोट की टिकट लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इस रास्ते बोट पकड़ने के लिए। हम दिखाएंगे टिकट हमें कितने की मिलती है। तो ये हमारी टिकट है, अब जा रहे हैं हम। तो गाइस टिकट का किराया ज़्यादा नहीं है, टिकट का प्राइस सिर्फ 9 रुपये है। तो आप सभी भी 9 रुपये में गंगा सागर आइलैंड जा सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस सामने जो बोट खड़ी है, अभी इसी बोट में हम जाएंगे गंगा सागर की ओर, ये बोट जाने वाली है। तो गाइस देख सकते हैं हम जा रहे हैं बोट में बैठने के लिए। तो गाइस अभी इसी बोट में जाएंगे हम बैठ के गंगा सागर की ओर। तो गाइस देख सकते हैं अभी ये इसमें से सवारी उतर रही है, अभी इसी बोट में बैठ के हम जाएंगे गंगा सागर की ओर। और गाइस अब हमारी बोट चल चुकी है गंगा सागर आइलैंड की ओर। तो गाइस मैं आप सभी को गंगा सागर का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, तो आप सभी भी वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी को काफी सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाऊंगा। और अगर आप सभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों देखिए हम कितनी दूर आ चुके हैं अपने
घाट से जहाँ से हमने बोट ली है। तो गाइस देखिए कितनी दूर आ गए हैं हम और कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ का, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और गाइस यही है हमारा गंगा सागर का आइलैंड, अभी हमें यहीं पर जाना है और ये हमें बोट अभी यहीं लेके जाएगी। तो गाइस हम आप सभी को वहां का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गंगा सागर, देख सकते हैं सामने गंगा सागर आइलैंड पे हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से आपको आगे का भी नज़ारा दिखाएंगे। और सारे लोग उतर रहे हैं बोट से और जा रहे हैं गंगा सागर की ओर। अभी आगे से इनको गाड़ी मिलेगी जो कि गंगा सागर के घाट पर लेके जाएगी। देख सकते हैं आप ये गंगा सागर का नज़ारा है। ये देखिए कितनी सारी बोटें हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं इसमें बाइक भी ले जा सकते हैं। हम आ चुके हैं अब दूसरे आइलैंड पे। अब यहाँ से हमें ये गाड़ियाँ लेके जाएगी गंगा सागर के घाट पे। तो आप इसमें भी बैठ सकते हैं, इसका किराया 50 रुपये है और यहाँ से बस आपको लेके जाएगी सिर्फ मात्र 40 रुपये में। तो चलिए हम भी बैठते हैं गाड़ी में और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और देखिए गाइस यहाँ पर कितना सुंदर और कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। देखिए कितने सुंदर सुंदर भगवान जी के रूप बनाए गए हैं यहाँ पर। गाइस आपको बस यहाँ तक लेके आएगी, चाहे आप बस से भी आ सकते हैं। ये देखिए बस यहाँ छोड़ेगी, चाहे तो आप ये छोटा हाथी में भी आ सकते हैं, टेम्पो है ये। और यहाँ से आपको फिर गंगा सागर की ओर थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, चाहे तो आप बैटरी रिक्शा भी ले सकते हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए आप, ये हमारा गंगा सागर बस सर्विस बस स्टैंड है ये गंगा सागर का। तो गाइस ये रास्ता देख सकते हैं, सामने हमारा गंगा सागर है और ये राइट साइड में आश्रम का रोड है। इधर जाएंगे तो आपको आश्रम मिल जाएगा और इधर हमारा गंगा सागर। तो चलिए चल के दिखाते हैं हम आश्रम। तो गाइस हम इसी भारत सेवा आश्रम में रुके हैं, तो अंदर का नज़ारा दिखाते हैं चलिए। तो आपको सबसे पहले अंदर जाते ही सामने मंदिर मिल जाएगा जिसमें आप आराम से घूम सकते हैं, मंदिर में जाके पूजा भी कर सकते हैं। और ये इस आश्रम का ही मंदिर है। तो मैं इस मंदिर का और इस पूरे आश्रम का आप सभी को नज़ारा दिखाऊंगा। और ये आश्रम बहुत ही सस्ता आश्रम है जिसमें आप आके यहाँ पर रुक सकते हैं। ये इस साइड आप सभी को दिख रहा होगा, ये यहाँ के सारे रूम हैं जिसमें आप रह सकते हैं। और ये हमारा मंदिर है और इस साइड आपको जाकर अपना रूम लेना है। तो चलिए चलते हैं, वहीं का नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। और ये यहाँ के ट्रस्टी हैं, यहाँ के पंडित हैं, इन्हीं से यहाँ की चाबी लेनी है रूम की। और यही आपको यहाँ का कमरा दिखाएंगे और यहीं का कमरा भी देंगे। और देखिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर जगह है यहाँ की।
तो चलिए चलते हैं रूम की ओर और आप सभी को अपना कमरा भी दिखाते हैं, हमें कौन सा कमरा मिला है। हमें कमरा नंबर 203 मिला है। तो चलिए गाइस चलते हैं कमरे के पास और आप सभी को भी हमारा कमरा दिखाते हैं, कितना अच्छा कमरा है और कितना ही शानदार कमरा है। और ये कमरा हमें मात्र 200 रुपये में मिला है। तो गाइस देख सकते हैं 200 रुपये में कितना बढ़िया कमरा है ये हमारा। तो देखिए गाइस ये हमारा कमरा है और चलिए कमरे के अंदर और आप सभी को कमरा भी दिखाते हैं कैसा है ये हमारा कमरा। और गाइस देखिए ये हमारा कमरा है जो कि हमें मिला है और यहाँ पर आप अपना फ़ोन चार्ज वगैरह कर सकते हैं। और देखिए गाइस ये यहाँ पर सो रहा है पहले से ही आके। और ये हमारा बाथरूम है और 200 रुपये में काफ़ी अच्छा कमरा है वैसे तो ये। और ये देखिए गाइस यहाँ का पंखा है जो कि चलता भी है। तो 200 रुपये में आप क्या लोगे गाइस। तो चलते हैं अब घूमने बाहर की ओर और आप सभी को बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं। गाइस देख सकते हैं सामने समुंदर है और आगे चल के समुंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जब तक आप सभी यहाँ का नज़ारा देखें, यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं और यहाँ पर देखिए क्या क्या है, मैं आपको यहाँ का सारा नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ से आप सभी पूजा सामग्री ले सकते हैं और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो गाइस हम नहा चुके हैं, अब आए हैं कपिल मुनि के मंदिर में। तो सामग्री और गाइस ये हमारा यहाँ का गंगा सागर का कपिल मुनि का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। तो गाइस चलते हैं अंदर और आप सभी को भी अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। वैसे तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर बाहर से नज़र आ रहा है, अंदर से भी चलते हैं गाइस, अंदर से भी देखते हैं कितना सुंदर मंदिर है। हो चुके हैं दर्शन अंदर, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इन्होंने वीडियो बनाने नहीं दी। हम जा रहे हैं बाहर और भी बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारे भोले बाबा जी हैं। और गाइस यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक भगवान जी हमारे। और देखिए यहाँ पर नारद मुनि जी हैं, बैठे हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर मंदिर बना रखा है। देखिए यहाँ पर भी भगवान जी हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे भगवान के अच्छे अच्छे रूप बना रखे हैं। तो आप सभी भी यहाँ पर आके एक बार दर्शन ज़रूर करना। देखिए गाइस कितना प्यारा दृश्य है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर रिक्शा मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको जहाँ जाना है वहाँ लेके जाएगा। ये हमारा कपिल मुनि मंदिर है, यहाँ हमारे भोले बाबा जी हैं और इस साइड हमारा गंगा सागर है। तो चलिए वहाँ जाके भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। मौसम हो गया है काफ़ी सुहाना। और गाइस आप जब गंगा सागर की ओर जाओगे तो आपको इस तरह की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं, मैं थोड़ी बहुत दिखाता हूँ और उसके बाद आपको सीधा गंगा सागर का नज़ारा दिखाऊँगा। बस कुछ समय में हम पहुंचने वाले हैं गंगा सागर के समुंदर के पास। तो आप सभी भी गंगा जल यहाँ से अपने घर ले जा सकते हैं। आपको ये सामने दुकानें दिख रही होंगी, आप यहाँ से बोतल खरीद लीजिए और गंगा जल को अपने घर ले जा सकते हैं यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पीछे कितना बढ़िया समुंदर है, पूरा नज़ारा देखिए यहाँ का। ये हमारा गंगा सागर है, हम पहुँच चुके हैं गंगा सागर तक। तो चलिए थोड़ा पास से भी नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए समुंदर की लहरें कितनी तेज आ रही है। तो गाइस देखिए कितना बढ़िया समुंदर है यहाँ, देखिए कैसे पानी की लहरें आ रही है कितनी तेज तेज। साउंड तो आपको आ ही रहा होगा पानी की लहरों की। देखिए कितनी तेज पानी की लहरें आ रही है यहाँ पर, ये हमारा पूरा समुंदर है। तो गाइज कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो आप तो काफ़ी सारे तीर्थ करते ही होंगे, तो गाइज एक बार ज़रूर गंगा सागर घूमने ज़रूर आना और आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा आपको। तो मैं तो गंगा सागर घूमने आ चुका हूँ, आप भी एक बार गंगा सागर ज़रूर घूमने आना। तो गाइस देखिए पानी की लहरें कितनी तेज आ रही है,
तो ये हमारा गंगा सागर का नजारा है, जो ये हमारा समुंदर है, समुंदर। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पीछे गंगा सागर है और हम इसमें स्नान कर रहे हैं। पहले नहा लेते हैं, देख सकते हैं पानी की लहरें कितनी तेज आ रही है यहाँ पे, देखिए। मैंने आप सभी को यहाँ का सारा नजारा दिखा दिया है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप सभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँ।